दोस्तों, आज सुबह सुबह होती है हमारे घर में लड़ाई। चाय पीते पीते अचानक से लड़ाई होती है और ये सारे बर्तन हस्बैंड ने फेंक दिए बाहर, हमारे पति देव ने। तो चलिए वीडियो मेरी आखिर तक देखिए और मैं इसमें बताऊंगी आपको क्यों फेंके इन्होंने बर्तन और क्या रीज़न रहा हमारी लड़ाई का। तो चलिए वीडियो मेरी आखिर तक देखती रहिए और मैं उठा लेती हूँ अब इन बर्तनों को और घर की करती हूँ सफाई। सफाई के बाद मैं मिलूँगी आपको। ये किचन की खिड़कियाँ हैं और यहाँ पर छौंक वगैरह लगता है तो आप लोग जानते हैं कि किचन में खाना बनता है, छौंके की चिकनाई वगैरह जो भी उड़ती है तो चिपक जाती है और उसी के ऊपर धूल। तो ये साथ ही साथ मैं निपटाती रहती हूँ घर के काम, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है। ज़्यादा गंदा होने के बाद ढंग से साफ भी नहीं हो पाता है। उसके बाद नहा धो के नाश्ता वगैरह करके फिर हमें निकलना है मार्केट। तो मैं आपको आगे देखते रहिए मैं किस वजह से मार्केट जाती हूँ और क्या है। मैंने जैसा कि आपको बताया ही है कि बर्तन फेंके हैं और मेरा बजट पूरा बिगाड़ के रख दिया है। मेरी इनकम नहीं बढ़ी है लेकिन मेरा बजट आउट हो चुका है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं एक साथ तो सारे बर्तन भी नहीं बदलूँगी, थोड़ा थोड़ा करके जितना हो सकेगा मेरे से थोड़े थोड़े करके लाऊँगी और हर महीने कुछ कुछ बर्तन चेंज करूँगी, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए हमारी। तो दोस्तों, स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा है तो हम पूरे ही अच्छे हैं और हम घर के पूरे सभी मेंबर्स का हम ही को ध्यान रखना होता है। तो हमें सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, उसके बाद घर के सभी मेंबर्स का ध्यान रखना है, तभी रख पाएंगे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम सबका ध्यान रख पाएंगे। तो इसलिए सभी का ध्यान रखना है और अपना भी ध्यान रखना है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ पूरी सफाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना ब्लॉग एंड टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या हुआ हमारे घर में। सुबह ही सुबह अचानक से लड़ाई हुई और सारे घर के बर्तन बाहर फेंके हस्बैंड ने। तो मैं बता देती हूँ आपको कि क्या रिलेशन है हमारे, मतलब बर्तन फेंकने का क्या रीज़न है। और रिलेशन क्या बताऊँ मैं आपको कि हस्बैंड की एक फ्रेंड की, बहुत ही ख़ास फ्रेंड था, उसकी अचानक से डेथ हो गई है। तो जिस वजह से इन्होंने घर के बर्तन बाहर फेंके और ये लोग सभी गए थे उसको डेथ के टाइम पे जब लग गए थे, तो कुछ रीज़न ऐसे पता लगे कि किस वजह से उसकी डेथ हुई है ये पता करा इन लोगों ने। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या रिलेशन है इस डेथ में और हमारे घर के बर्तन फेंकने में या हमारे घर की लड़ाई में। अचानक से सुबह सुबह जो चाय पीते ही हमारे घर में लड़ाई शुरू हुई है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको और ब्लॉग मेरा आखिर तक ज़रूर देखिए तो आपको तभी समझ आएगा कि इन दोनों का रिलेशन क्या रहा, क्या रिलेशन था लड़ाई और इसका। तो दोस्तों, मैं बता देती हूँ कि क्या हुआ था उसको, इनके फ्रेंड को। एक्चुअल में क्या है कि उसको हुआ था कैंसर और उसको यही बताया कि आपको कैंसर हुआ है और रीज़न है प्लास्टिक, ज़्यादा आपने प्लास्टिक यूज़ करा है और प्लास्टिक कट कट के जो आपकी बॉडी में इकट्ठा हुआ है उसकी वजह से आपको कैंसर हो गया है। और काफ़ी दिन बीमार रहा वो बंदा, लेकिन सॉरी कि हम बचा नहीं पाए। हम तो खैर क्या, डॉक्टरों ने और उसके फैमिली मेंबर्स ने काफ़ी कोशिश करी थी उसको बचाने की। और उसके फैमिली में दो बच्चे हैं उसके, और बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं, एक बेटा एक बेटी है, छोटे ही हैं, अभी किसी की शादी नहीं हुई है। लगभग 17-18 साल के बच्चे हैं, तो अभी किसी की शादी भी नहीं हुई है। और अभी उसकी भी खैर लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं गई थी और उसके बाद वो बीमार रहने लगा, तो घर का पैसा भी बहुत लगा उस इंसान के ऊपर लेकिन नहीं बचा। तो इस वजह से ये काफ़ी डर गए थे और इन्होंने बोला कि आप चाहे जैसे भी हो, थोड़ा थोड़ा करके हो, या मतलब कैसे भी कोशिश करो कि अब प्लास्टिक को बिल्कुल अवॉइड करो और घर में लाओ अच्छे बर्तन। चांदी और सोने के पहले यूज़ होते थे वो तो खैर हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो हम यूज़ कर सकते हैं वो बर्तन लाते हैं। तो अब हुआ क्या कि मैं लाई हूँ कुछ बर्तन, तो ये सब जो है उन्होंने फेंक दिए थे। वैसे गलत भी है क्योंकि कहते हैं कि ये प्लास्टिक जो है हमें कैंसर बनाता है, तो हमारी बॉडी में जाता है, टोटली केमिकल होता है, इसमें कोई मेटल नहीं है, कोई धातु नहीं होती,
टोटली केमिकल से प्लास्टिक बनाया जाता है, तो ये हमारी बॉडी को बहुत ही हार्मफुल होता है और इससे बनता है कैंसर। और इससे बोला जाता है कि इससे एल्यूमिनियम से जो हम इसका पका हुआ खाना या फिर इसमें रख के हम खाना खाते हैं गरम गरम, तो वो जो इसका कट के जो आता है केमिकल, वो हमारी बॉडी में टीबी की बीमारी बनाता है। हमें क्या करना है कि इन सब चीज़ों को यूज नहीं करना है। ये है प्लास्टिक। मार्केट में जो है अब आजकल इस तरह की प्लास्टिक आ गई है, बच्चों के टिफिन है, इसके अंदर जो है स्टील लगा हुआ है, तो इसके अंदर अगर हम लंच रखते हैं गर्म गर्म कुछ भी रखते हैं, तो ये प्लास्टिक मेल्ट होके खाने में नहीं आता है, तो इस वजह से हमने ये लिए हैं। है थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन एक साथ नहीं बदलेंगे हम, धीरे धीरे करके हम अपने घर के बर्तन सारे बदलने की कोशिश करेंगे एकदम से। तो आप भी जानते हैं कि हमने एक दिन में ये सब नहीं खरीदे थे, तो अब बदलने हैं तो भी हम एक दिन में नहीं खरीद पाएंगे। ये मैंने कुछ घर के पुराने बर्तन रखे हुए थे, वो निकाले हैं कि ये बहुत अच्छी धातु होती है और हमने कबाड़े में रखे हुए थे, तो इस वजह से मैंने ये इसको निकाला है कि अब हम इसको यूज़ करेंगे पीतांबरी से इसको साफ करके, और डेली में पानी पीने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ये मैं लाई हूँ कढ़ाई, कि कभी कभार थोड़ी सी सब्जी वगैरह होती है तो ये एक छोटी कढ़ाई लाई हूँ, और एक ये है पीतल की, ये भी मेरी रखी हुई थी, एक आज के नहीं 20-22 साल पुरानी शादी की कढ़ाई है ये, और इसको भी मैंने निकाला है। इसमें खट्टा तो नहीं बना सकते हैं, खट्टी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, लेकिन और सब्जियां बना के यूज़ कर सकते हैं इस कढ़ाई को भी हम। अब है ये स्टील, ये एक सॉस पैन भी लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का हटाया है, तो आप थोड़े थोड़े करके मैं चेंज करूँगी घर के सारे बर्तन, अभी एक साथ नहीं लाई हूँ क्योंकि मेरा बजट बहुत खराब हो गया है। एक ये मैं लाई हूँ लोहे की बड़ी कढ़ाई, इसको हम इसमें किसी भी तरह की सब्जी बना सकते हैं, दाल सब्जियाँ कुछ भी हम फ्राई करके बना सकते हैं। अगर आपको कहते हैं ना ब्लैक हो जाती है इसकी सब्जी, आयरन ज़्यादा आ जाता है तो काली काली सब्जी पड़ जाती है, तो अगर हमें इसका वो काला रंग पसंद नहीं आता है तो हमें क्या करना होगा कि इसको जल्दी निकाल लेंगे, जैसी सब्जी बनी हमारे हम उसको पलट लेंगे, सब्जी को हम पलट के स्टील के बर्तन में किसी में भी निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको यूज कर लेंगे। तो ये है एक, क्योंकि आजकल क्या है हम शॉप में ज़्यादा जाते हैं, हम दिखावे पे ज़्यादा जाते हैं और जो हमारे लिए अच्छी है वो हमें नहीं पता होता, पता होते हुए भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये गिलास रहेंगे पानी के लिए, और अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो एक कांच के बाउल यूज करिए, ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत फायदे की चीज़ होती है। ये स्टील की कटोरियाँ हैं कुछ नई रखी हुई थी, ये भी मैंने निकाली हैं कि अगर खाना खाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं तो इसमें कोई भी बीमारी हमें नहीं होती, क्योंकि हमारा शरीर सबसे ज़रूरी है, हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो हम भी अच्छे रहेंगे और हम अपनी पूरी फैमिली को सही रख सकेंगे। तो ये लंच बॉक्स बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और इसमें मैं कुछ भी चीज़ रख सकती हूँ। इस तरह की प्लास्टिक की डिब्बी है इसके साथ, और इसमें अंदर स्टील की एक कटोरी लगी है, उसमें हम गर्म गर्म सब्जी भी रख सकते हैं, तो ये भी कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, बस ये है कि इस ढक्कन से थोड़ा टच कम हो खाना, लेकिन बहुत ही अच्छी बॉक्स चलाए हैं कि बाहर से प्लास्टिक है, ड्यूरेबल है, प्लास्टिक चलती बहुत है, इसीलिए लोग बहुत हैबिट में ले आए हैं इसको, लेकिन ये प्लास्टिक जो है हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एल्यूमिनियम और प्लास्टिक को बिल्कुल हटाइए। अगर आपको यूज़ करना है तो आप ठंडी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, अगर फ्रिज में वाटर रखना है तो उसमें इतना ज़्यादा केमिकल नहीं गल पाता, और अगर धूप में रखी है वही बॉटल तो गर्म होके उसका प्लास्टिक पूरा मेल्ट हो तो पानी में भी मिक्स होता है, या जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसमें भी वो प्लास्टिक मिक्स होता है। कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी हार्मफुल है, आप सभी लोग जानते हैं, और कोल्ड ड्रिंक में जो प्लास्टिक मिक्स हो जाता है वो भी बहुत नुकसान देता है। और ये गर्म चीज़ें जो भी हम इसमें रखते हैं, अगर हम ठंडी चीज़ रख रहे हैं तो ठीक है, गर्म गर्म जैसे हम खाना खा रहे हैं। आजकल चाय आपने देखा होगा कि पॉलिथीन में चाय की सप्लाई हो रही है, पहले जो था एक पूरी ट्रे होती थी उस टाइप की, और उसमें कांच के गिलास रखे होते थे और तभी चाय की सप्लाई होती थी शॉप्स पर जो बांटते थे,
तो उस तरह अब आजकल क्या है पॉलिथीन में पैक होती है और उसको लेके ले आते हैं और उसको फिर हम गिलास में पलटते हैं और फिर हम पीते हैं, तो जो प्लास्टिक उसमें आया वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो मैं यही बार बार आपसे यही कहूंगी कि इस धातु को छोड़िए। और ये धातु आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ही मिक्स करके इसलिए बनाई गई थी कि मतलब इंडियन लोगों के लिए कहा जाता है कि बहुत ही लोह पुरुष जिनको बोला जाता है आयरन मैन ये भी होते हैं, तो इनको थोड़ा सा कमजोर करने के लिए कुछ धातुएं बनाई गई हैं। तो प्लीज दोस्तों हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, बिल्कुल हटाएंगे अपनी किचन से, एक साथ नहीं, एक साथ हमारा बजट भी इतना नहीं होता है कि हम एकदम सारे बर्तन बदल पाए, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश जरूर करेंगे और मैं भी कोशिश करूंगी, आप लोग भी मेरे से वादा करेंगे कि आप लोग भी कोशिश करेंगे और आप ये सब मेटल सब गलत धातु में हटाएंगे और इन सबको अपनाएंगे। तो मैं आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर खत्म और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो मैं इस तरह की नई नई वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए, नीचे घंटी का बटन है उसको दबाइए जिससे कि कोई भी मेरी नई वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।